चार अंतरराज्यीय वाहन चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। जनपद रामपुर में पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चार वाहन चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनसे चार बाइक, एक आइशर ट्रैक्टर, 3 तमंचे, 23 जिंदा कारतूस, 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यह लोग शातिर और आपराधिक किस्म के हैं, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त असीम पुत्र अजीज ग्राम बेलवा शाहबाद का है, दूसरा अभियुक्त आमिर पुत्र आतिक खां पीला तालाब पुलिस चौकी थाना गंज का है, तीसरा युवक आदिल पुत्र रईस अहमद शाहपुरा थाना टांडा का है और चौथा युवक शेखावत पुत्र रईस अहमद निवासी शाहपुरा थाना टांडा का है। आज जनपद रामपुर के थाना कोतवाली पुलिस को वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ने में सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 4 वाहन चोर पकड़े हैं, जिनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 1 आइसर ट्रैक्टर, 3 तमंचे, 23 जिंदा कारतूस और 3 फर्जी आधार कार्ड आए गए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये चोर अपनी आईडी छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड भी अब बनाने लगे हैं। ये सफलता कोतवाली पुलिस को मिली है। बरामद मोटरसाइकिलों में से 1 मोटरसाइकिल अब तक पता चल गई है कि वो थाना से रेल लाइन से चोरी हुई है। इसके अलावा शेष वाहनों के बारे में छानबीन विवेचक द्वारा की जा रही है, जहाँ के मामले होंगे वहाँ से जोड़ा जाएगा। अदरवाइज विधिक उपबंधों के तहत माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी।